हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनुपम रियल व्लॉग में। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली वाले लोग बहुत स्वस्थ रहें और हम चल रहे हैं अपने रियल। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं और सरसों के खेत भी दिखाई दे रहे हैं। कितना अच्छा नज़ारा यहाँ पे लग रहा है। और सर्दी बहुत है, हवा लग रही है बहुत तेज़ से। हम पहुँचने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। देखो ये खेत, देखो यहाँ का कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। देखो तो कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। और यहाँ ये रोड देखो, रोड देखो चौड़ी हो रही है हमारे तरफ। ये रोड दोनों तरफ इतनी इतनी चौड़ी हो रही है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे धूप भी हल्की हल्की खिली हुई है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। हम पहुँचने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे कितनी चौड़ी रोड हो रही है। यहाँ प्लॉट भी बन रहा है किसी का मकान। ये देखो ये पूरी नींव भर के तैयार हो गई है। बहुत तेज हवा चल रही है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंचने वाले हैं। ये देखो पेट्रोल पंप है, हमारे घर के थोड़ी दूर है। हम पहुंचने वाले हैं, अब बस पहुंच चुके हैं। थोड़ी बहुत देर और लगेगी, हम पहुंच गए हैं। पहुंच कर हम आपको ये दिखाएंगे हम वहाँ पर। देखो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हम अपने घर में। हमारे घर में बहुत सारी घास खड़ी हुई है। ये देखो बहुत सूखी सी घास है, इसमें मैंने आँच लगा दी है इसलिए जल जाए। वहाँ पर बहुत झाड़ी हो गई है हमारे इस घर में। बहुत दिनों से यहाँ पे आए नहीं हम, और यही हमारा रियल घर है। देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे करेंगे कुछ सफाई। ये घास ख़त्म करने के लिए आँच लगा दी है। अब इसके बाद सोच रहे हैं ये घास काट भी दें। इस घास को काटेंगे भी। ये फ्रेंड्स, हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि हम, देखो हमारा घर ऐसा है। ये देखो कितनी घास खड़ी हुई है, इसमें पैर रखने को जगह नहीं है। एक दो सरसों के पेड़ भी जम के निकल आए हैं, अपने खुद ही निकल आए हैं ये। यहाँ पे देखो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे टीन भी पड़ी है और इसमें बहुत सारे पौधे जम के आए हैं। और देखो, और इस ये यहाँ पे टीन थी, इसमें टीन के अंदर भी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितनी झाड़ी हो गई है। यहाँ हम आए ना, यहाँ पे रहे ना, तो वहाँ ऐसा ही हो जाता है। ये वन सा खड़ा हो गया है हमारे इस घर में। सोच रहे हैं ये कैसे साफ होगा, समझ में नहीं आता है। ये देखो कितनी बुरी तरह से इस कमरे में कितनी बुरी तरह से घास निकल आई है। ये कैसे साफ होगी। ये देखो यहाँ पे बेल, पता नहीं कौन कौन से पौधे जम के आए हैं। ये सरसों के एक दो पौधे जमाए हैं। बहुत सारे बहुत पौधे हो गए हैं। बहुत झाड़ी बहुत हो गई है। झाड़ी को इसे हटाने के लिए ही तो इसमें आँच लगाई जो कि ये आँच से सूखी सूखी घास ना जल जाए, इसीलिए ये देखो आँच भी लगा दी है। ये देखो सूखी घास जल जाए इसीलिए। ये देखो, अब मैंने सोचा कि मैं ही इसकी कुछ फावड़े से सूखी सूखी घास को, जहाँ से रास्ते में निकलते हैं, यहाँ बहुत पैर रखने को जगह नहीं है इसीलिए इस।
इसीलिए ये नल की तरफ जाने के लिए ये रास्ता बनाई है कि ये नल की तरफ जाते हैं तो इसे मतलब ठीक हो जाए, इस पैरों से कुछ दिखता भी नहीं है, कुछ कीड़ा भी आ जाए पैरों के पास, तो इसीलिए इसे वैसा कर दिया है, इसे फावड़े से हटा रहे हैं इस घास को। ये देखो हटा के और उस तरफ फेंक देंगे तो ये जल जाएगी और ये रास्ता क्लीन हो जाएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं, हम आगे क्या करेंगे अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।